तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, सुबह की लगभग 10 बज रही है। और आज सुबह सुबह ही देख सकते हो क्या काम लग गए हम। वो देखो घनश्याम भाई क्या कर रहा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर इस झाड़ को जो है ना काटा जा रहा है। ये देखो कितने ज़्यादा काटे थे, सीधा छत पे जाते थे ना तो गड़ते थे। अभी इसको नीचे से काट दिया है और इसको यहाँ से काटने के बाद में हम इसको यहाँ से भी काट देंगे, ताकि ये ज़िंदगी में फिर कभी उले, मतलब ये ज़िंदगी में फिर कभी जाए ही ना, उतनी दूर पहुँच ही ना पाए। तो इसलिए दोस्तों इसको पूरा यहाँ से उड़ा देंगे और फिर अपने को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये रहा, ये पूरा जो कट ही गया, बस इसका एक एक बच्चा है कि दो भाई? दो ना, तो दो दो डलिया, दो टहनिया और बची हुई है, तो इनको भी काट ही देते हैं, ठीक है। और ये तो काट ही दिया है, ये देखो यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया है, यहाँ से भी काट दिया है। ऑलमोस्ट पूरा काट ही दिया है। ये एक टहनिया बची हुई है और जो ऊपर का है ना इतना सारा, ये नहीं काटेंगी क्योंकि भैया ये हमारे को अड़ता ही नहीं है। जो हमारे यहाँ पर छत पर आता था ना डाला, उसको काट दिया है और बाकी को छोड़ दिया है। और अभी दोस्तों अभी इसको काटते हैं, ठीक है। काट दिया भैया, काट दिया। ये देखो भाई, फुल। तो हेलो गाइस, अभी देख सकते हो अभी जो टाइम हो रखा है ना, वो शाम की 7 बज रही है। और अभी दोस्तों अभी जस्ट ब्लॉग को स्टार्ट किया मैंने, सुबह में ब्लॉग को स्टार्ट किया था ना, जब जो वो घनश्याम भाई है ना, यहाँ पर ये पीछे वाला देखो ये पेड़ काट रहा था, उस टाइम में मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया था। और उसके बाद में दोस्तों मैंने उस ब्लॉग को बनाया नहीं, पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद में भैया 10 बजे ही मैं काम पे चला गया था, सुबह की 10 बज रही थी ना, उस टाइम पे ही मैं ब्लॉग पे क्या काम पे चला गया था। और काम पे जाने के बाद में भैया मेरे को वापस बोल दिया कि भाई तू घर पर चला जा। मतलब 2 या 3 घंटे तो काम किया था, उसके बाद में बोला कि नहीं भैया अभी तुम घर ही चले जाओ। तो भैया मैं घर आ गया वापस। और अभी कल की माउस है, कल फिर से छुट्टी, और परसों के दिन जाएंगे अभी तो काम पे। तो इसलिए दोस्तों हम जो है ना अभी 2 दिन आज और कल 2 दिन बेरोजगार है, उसके बाद में तो वापस काम पे लग जाएंगे। तो अभी दोस्तों अभी फटाफट से क्या करते हैं ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो जो काम किया है हमने सुबह में, क्योंकि सुबह तो मैं दिखा नहीं पाया और खाना वगैरह खाया। और दोस्तों मैं 1 बजे आया था ना काम से, उसके बाद में मतलब क्या बताऊं मैं आपको, आने के बाद में जैसे ही आया तो चला गया भैया अपने डॉक्यूमेंट्स का काम कराने के लिए। भैया कितना ज़्यादा टाइम लगेगा यार, कितना ज़्यादा हद होती है भाई, इतना ज़्यादा टाइम लग गया यार, समझ में नहीं आ रहा क्यों। अभी भैया परेशान हो गए पूरा, देखते हैं दोस्तों बाकी, चलते हैं फटाफट से। अभी तो और टाइम लगने का, वो बोला है कि अभी थोड़े दिन बाद में फिर से आ जाना मेरे पास, मैं अभी और टाइम लेगा भाई, उसने बोला मैं फ़ोन करूं उस टाइम पे आ जाना। सबसे मेन तो दोस्तों हमारा जो पैन कार्ड है ना, वो अभी तक नहीं आया। लगभग मेरे को 7 दिन हो गए कि 8 दिन हो गए पैन कार्ड बनवाए हुए। और अभी ये देखो 24 तारीख को बनवाया था और आज 1 तारीख है, 7-8 दिन हो गया, 8 दिन लगभग दोस्तों 8 दिन ही हो गए और अभी तक देखो पैन कार्ड नहीं आया। लगभग 5-4 दिन में आ जाता है यार डाकघर में, अभी तक नहीं आया। और अभी तक क्या कर सकते हैं हम, वेट कर सकते हैं जब तक नहीं आएगा। और देखते हैं दोस्तों कब तक आएगा, जब तक मैं नई डेट नहीं निकलवाऊंगा, जब तक पैन कार्ड नहीं आया ना ओरिजिनल, तब तक मैं दूसरी डेट नहीं निकलवाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों अभी मेरा और भी डॉक्यूमेंट्स बनना बाकी है, जैसे वोट देने वाला वोटर आईडी हो गया, और भी जैसे पैन कार्ड तो बना ही लिया अपना, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया, आधार बना हुआ है अपना, और सब कुछ बना हुआ है अपना सब कुछ, बस ये जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी वापस, ये 2 ही और रह गए, सब कुछ बना लिया, बाकी अभी लाइसेंस बनवाना बाकी है, और भी चीज़ें हैं जो ये हमें करना बाकी है। और अभी दोस्तों अभी चलते हैं फटाफट से, मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम किया था हमने सुबह के टाइम पर, ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये रही अपनी छत, और यहीं से ही दिखाता हूँ आपको, यहीं से ही तुमको तो पता ही है कि काफ़ी शानदार नज़ारा। अभी इसको काट दिया भाई, कैसा खुला खुला लग रहा है ना। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा तो ये ऐसे पूरा भरा हुआ था, यहाँ तक पूरा गोलाई में ऐसे 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 सब भरा हुआ था, अब तो ये नॉर्मल लगने लग गया। ये देखो कितनी ज़्यादा टहनियाँ काटी इसकी, है कि नहीं,
अभी ये एक डाला है ना, इसको इधर से काट देंगे तो फिर से इधर की तरफ में नहीं उगेगा, ठीक है। इसको भी काटना होगा, अभी तो नहीं काटेंगे, थोड़ी देर बाद में वो घरश्राम आ जाएगा ना, उसके बाद में काटेंगे। ये किया था दोस्तों काम। और दोस्तों अभी शाम भी हो गई है, अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने यहाँ पर अपने घर के सामने पीछे की तरफ में काम किया था, तो वो अभी हम थोड़ा बहुत उसको काम को बाकी छोड़ दीजिए, बाकी थोड़ा बहुत बचा है ना, जैसे कि उसको उस पूरे जो है ना टेनी वो बड़ा वाला उसको भी काटना बाकी है, उसको मैं कल छुट्टी है तो कल काट दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग आधा घंटा लगेगा, मैं और घरश्राम भाई दोनों साथ में लगेंगे, ठहर दे के पूरा जो है ना उसको उड़ा देंगे। तो अभी दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अभी जैसा कि आपको पता ही कि अंधेरा हो गया है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप अरे भाई तो अभी दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और दोस्तों हम मिलते हैं आपको किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों, सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना, ठीक है।